हेलो एवरीवन, दिस इज मिताली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस, आज हम सभी आए हुए हैं खेड़ापति मंदिर और सभी फैमिली करेगी माता रानी के दर्शन। तो आइए, आपको भी करवाते हैं दर्शन। गाइस, यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा रखी हुई है और यहाँ अंदर जो ये स्कूल में बहुत सारे कलर्स रखे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे दर्शन किए कलर्स के। देख सकते हैं आप, इतने सारे कलर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे हम प्रसाद देंगे और उसके बाद फिर अंदर की तरफ जाएंगे। तो अंदर हम जाकर माता रानी के दर्शन करेंगे। ये रहा खेड़ापति माता रानी का मंदिर। मस्ती शुरू हो गई थी। चलिए गाइस, आपको लेकर चलती हूँ मैं ऊपर मंदिर में और फिर करवाती हूँ आपको माता रानी की दर्शन। माता रानी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उनको बस बार बार देखते रहने का ही मन कर रहा था। गाइस, यहाँ माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर सभी का फोटोशूट स्टार्ट हो गया और सभी ने फोटोज लेना स्टार्ट कर दिया।
रानी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ दूसरे मंदिर में आए हैं और यहाँ पे सभी ने दर्शन किए, अच्छी तरह से पूजा किया और बच्चे भी बहुत अच्छे से यहाँ पूजा कर रहे थे गाइस, आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बच्चे भी पूजा कर रहे हैं। गाइस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी इसलिए हमने बहुत अच्छे से पूजा की, अगर भीड़ होती तो फिर इतने अच्छे से हम आराम से पूजा नहीं कर पाते, माता रानी के सभी भगवान जी के अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ सभी ने बहुत अच्छे से पूजा की, आराम से दर्शन किए। गाइस आगे की तरफ हम बढ़ेंगे कलश की ओर, यहाँ पर कलश रखा हुआ है और ये अखंड जोत है, तो अखंड जोत के हमने दर्शन किए, सभी ने यहाँ पर भी पूजा की और इस मंदिर में भी मनोकामना कलश रखे हुए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दर्शन करवाए हैं। गाइस यहाँ पर हमने षष्ठी माता जी के भी दर्शन किए और आप भी यहीं से दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। यहाँ हमने सभी मंदिरों में पूजा कर ली, अच्छे से दर्शन कर लिया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साइड में बेल बटन है उसे भी प्रेस करें और हाँ जब भी छिंदवाड़ा आएँ तो यहाँ आकर माता रानी के दर्शन ज़रूर करें। बाय गाइस।